मोर्चा के अध्यक्ष, पूर्व में अध्यक्ष रहे, राज्यसभा में मेरे साथी श्री के लक्ष्मण जी, भारत सरकार में मंत्री, पूर्व में अध्यक्ष रहे सम्मान्य जी किशन रेड्डी जी, हमारे इस क्लस्टर के इंचार्ज और भारत सरकार में मंत्री महेंद्रनाथ पांडे जी, हमारे सह प्रभारी अरविंद मेनन जी, सुधाकर राव जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन डीके अरुणा जी, हमारे जितेंद्र रेड्डी जी, विश्वेश्वर रेड्डी जी, हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण जो मंच पर विराजमान है, सांसदगण, विधायकगण, और यहां नगर कुन्नूर में एकत्र आए इतनी बड़ी संख्या में देवी और सज्जनों, और मेरे युवा साथी, नौजवान साथी, और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज नगर कुन्नूर में इस जनसभा में, जहां 9 वर्ष मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए काम में जुटे हुए हैं, उसकी चर्चा करने के लिए आया हूं, तो सबसे पहले मैं यहां पर इस शक्तिपीठ मां जोगुलांबा को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, यहां उमा महेश्वरम स्वामी मंदिर, उसे भी नमन करते हुए और पवित्र कृष्णा नदी को भी याद करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, मैं बैठा बैठा याद कर रहा था कि किस अरमान से, कितने अरमानों को लेकर हम सब लोगों ने तेलंगाना का निर्माण किया था। यहां मंच पर बैठे हुए मेरे बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने तेलंगाना के लिए आंदोलन में अपना सर्वस्व लगा दिया और तेलंगाना को राज्य के रूप में स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने तेलंगाना के लिए अपने आप को आहूत किया, उनको मैं नमन करता हूं और उनको मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, लेकिन मुझे आज दुख है, मुझे दुख इस बात का है कि तेलंगाना पीछे रह गया और एक परिवार तेलंगाना का शोषण करके आगे बढ़ने का प्रयास किया। यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, और जब मैं एक परिवार बोलता हूं तो ये केसीआर का परिवार, खुद केसीआर, उनका बेटा, उनकी बेटी, आने वाले समय में उनके वंश से पैदा होने वाली संतान, यही भारत राज्य समिति बन गई है, बाकी तेलंगाना को पीछे ढकेल दिया। इस बात का मुझे दुख है, मुझे इस बात का भी दुख है कि तेलंगाना के हुनर को, तेलंगाना के टैलेंट को, तेलंगाना के ऊर्जा को, तेलंगाना के सामर्थ्य को उन्होंने नकारते हुए अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया, यह हम सब लोग जानते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां तेलंगाना को केसीआर ने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वहां मुझे एक बात का संतोष मिलता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा और तेलंगाना के विकास में भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। के मतलब भारी इतना
సాగుతున్నటువంటి అశేష ప్రజానికము బహిరంగ సభకు వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు విచ్చేసినటువంటి పాత్రికేయులు నాగర్ కర్నూలు ప్రజానికానికి ముఖ్యంగా ఈ జోగులాంబ శక్తిపీఠము అమ్మవారు మరి యొక్క వారికి నమస్కరిస్తూ ఉమా మహేశ్వర స్వామి కూడా నేను మనస్పూర్వకంగా స్వాగత నమస్కరిస్తూ ఈ పవిత్రమైన కృష్ణా నది ఈ ప్రాంతంలో ఏ రకంగా ఈ రోజు ఆ పవిత్రత ఉన్నదో మరి అందరూ ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళు మీరందరూ కలిసి చేసిన పోరాట ఫలితము తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు అనేక మంది త్యాగాలు బలిదానాల వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఈ రాష్ట్రము మరి ముఖ్యంగా అమరవీర కుటుంబాలకు నేను మనస్పూర్వకంగా వారికి ఆదరపూర్వకంగా వారి త్యాగాలకు ఈ రోజు శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ ముఖ్యంగా ఈ సాధించుకున్న తెలంగాణనేమో వెనకబడిపోతూ ఉన్నది కానీ తెలంగాణ పేరు మీద ఒక కుటుంబం మాత్రమే బాగుపడుతూ ఉన్నది అది ఒక కేసీఆర్ కుటుంబం మాత్రమే ఇవాల తెలంగాణ వచ్చింది తెలంగాణ సామర్థ్యము అనేక మంది పేద ప్రజలు వారికి ఉన్నటువంటి ఈ సామర్థ్యం ద్వారా తెలంగాణను ముందుకు తీసుకోవాల్సింది పోయి ఒక కుటుంబం మాత్రమే కేసీఆర్ కేటీఆర్ కవిత మాత్రమే ఈరోజు బాగుపడుతూ ఉన్నారు అందుకనే ఇవాళ బీఆర్ఎస్ ముందుకు పోయింది ఏర్పాటు చేశారు ఎందుకోసం అంటే ఆ కుటుంబ బాగు కోసమే ఇవాళ ముఖ్యంగా నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం అనేక రకాలుగా భారీ ఎత్తున నిధులు అభివృద్ధి పేదల సంక్షేమం కోసం పాల్పడుతూ సేవ సుపరిపాలన పేదరిక నిర్మూలన అంకితంతో పనిచేసిన మోదీ ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా తెలంగాణ అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉందని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను మిత్రో जब मैं मोदी जी के नेतृत्व में भारत के 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की बात करता हूं तो गांव गरीब वंचित पीड़ित शोषित दलित हमारे युवा भाई हमारे किसान भाई हमारी महिलाएं बहनें इनको सशक्तिकरण करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों ने किया ये हमको ध्यान में रखा था जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की तो 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल 1 किलो दाल और 1 किलो नमक देने का काम किसी और ने नहीं किया नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ की जनता को दिया और जब मैं 80 करोड़ की जनता बोलता हूं तो इसका मतलब यह हुआ कि सारी यूरोप की जनसंख्या से कहीं ज्यादा हमारे गरीब लोगों को मोदी जी 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दे रहे हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत की गरीबी 22% से घट करके 10% से कम हो गई है From 22% it has been reduced to 10%, less than 10%. और अति गरीबी एक्सट्रीम पॉवर्टी 1% से भी कम हो गई है ये भारत की बदलती तस्वीर हमको देखने को मिलती है प्रधानमंत्री आवास योजना 4 करोड़ घर बने 4 करोड़ का मतलब होता है कि जिसमें 15 करोड़ लोगों को शेल्टर मिला और 15 करोड़ लोगों को अगर राहत मिली है तो यह ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन का 6 गुना है 6 टाइम्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन लेकिन मुझे दुख होता है कि इसमें भी प्रधानमंत्री आवास योजना में केसीआर जी का घपला हुआ है घोटाला हुआ है बोलिए घोटाला हुआ कि नहीं हुआ हुआ कि नहीं हुआ घोटाले वाले लोगों को जेल में जाना है कि नहीं जाना है कि नहीं उनको भेजना है तो कमल खिलाना होगा ये भी आपको याद रखना होगा ये भी आपको समझना होगा मित्रों प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान इज्जत घर टॉयलेट
क्या संख्या थी? 11 करोड़। और 11 करोड़ में 31 लाख टॉयलेट्स हमारे तेलंगाना में बने, 31 लाख। और 31 लाख का मतलब है कि आज मोदी जी ने भारत को 100% ODF कर दिया, ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया। अब कोई बाहर खेत में नहीं जाता है, सबको यानी 11 करोड़ महिलाओं को और आपके यहां 31 लाख महिलाओं को इज्जत से जीने का अधिकार दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।